देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। वाराणसी में यूपी सरकार के एक अफसर का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा, जिसमें वह एक व्यक्ति को हेडशॉट मारते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वीडियो उस वक्त का है जब एडीएम सिटी आलोक वर्मा व बीडीए और पुलिस प्रशासन के साथ शहर के ग्रीन बेल्ट में बने होटल को गिराने पहुंचे थे। वाराणसी में यूपी सरकार के एक अफसर का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक व्यक्ति को हेडशॉट मारते नजर आ रहे हैं। वीडियो उस वक्त का है जब एडीएम सिटी आलोक वर्मा वाराणसी विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के साथ शहर के ग्रीन बेल्ट में बने होटल को गिराने पहुंचे थे। आरोप है कि दोनों ही होटल अवैध रूप से रियासी नक्शों पर व्यावसायिक तौर पर चला रहे थे। वह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान होटल मालिक और एडीएम सिटी आलोक वर्मा के बीच कहासुनी हो गई। एडीएम सिटी ने आपा खो दिया और होटल मालिक हेडशॉट मारा, जिससे होटल मालिक चोटिल हो गया। एडीएम सिटी कार्रवाई करने पहुंचे और वे अपना आपा खो बैठे। वही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। वीडियो शेयर करने के साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पे लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अधिकारियों ने यूपी के प्रतिसारक क्योटो में शुरू किया अपनी तरह का अनोखा फ्री स्टाइल हेड स्ट्राइक ओलंपिक गेम। खेल में प्रदेश सरकार कौन सा मेडल देती है, यह देखना बाकी है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, यह बात इस पर निर्भर करेगी, यह किस खेमे के हैं। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।